कैथल के अनाज मंडी में आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनेलो नेता अभय चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने जहां इस सम्मेलन में गठबंधन सरकार को जमकर कोसा और युवाओं के साथ हो रही बेकदरी को गिनाया, तो वहीं उन्होंने 2018 में इनसो द्वारा आयोजित किए गए कैथल में सम्मेलन को भी याद किया और कहा कि उस सम्मेलन में दुष्यंत और दिग्विजय ने युवाओं को बरगला करके, बहका करके, भाजपा के बहकावे में आकर के पार्टी को तोड़ने का काम किया था, जिसका खामियाजा आज प्रदेश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। इस मौके पर अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश के युवाओं की भागीदारी प्रदेश की सत्ता में बढ़े, इसके लिए इनेलो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लोकसभा और विधानसभा का टिकट देगी। साथ ही अभय चौटाला ने प्रदेश में इनेलो सरकार बनने पर एक साल में दो बार सरकारी नौकरियों की भर्ती करने और पहले साल में ही 1,00,000 नौकरियां देने का वादा किया। आप सब गवाह हो इस बात के आज कि बहुत ज़्यादा ठंड के बावजूद जो शेड आपका मंडी का सबसे बड़ा है उसमें तिल फेंकने को जगह नहीं थी। जितने युवा साथी अंदर थे इतनी ही बड़ी संख्या में बाहर भी थे। अब युवा बदलाव लाएगा। हमारी इस परिवर्तन यात्रा में मुझे लाखों युवाओं से मिलने का मौका मिला था और इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि हम युवाओं का एक सम्मेलन करेंगे। और जब युवाओं से मैं मिलता था उस यात्रा के दौरान तो युवा सबसे ज़्यादा मायूस था। युवा सबसे बड़ी शिकायत करता था कि हमारे साथ राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा धोखा किया गया, हमें बरगलाया गया, हमें झूठे आश्वासन दिए गए, हमें अब आपसे उम्मीद है। मैं जब उनसे मिलता था तभी मैं इस बात का फैसला कर रहा था कि मैं पार्टी के अपनी कोर कमेटी के सामने ये बात जरूर रखूंगा कि जो युवा मायूस है हमें उसको इस प्रदेश की बागडोर सौंपनी चाहिए और युवा जितनी एनर्जी के साथ इस प्रदेश को आगे ले जा सकता है उसके लिए हमें उसकी एनर्जी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर युवा को कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपेंगे तो ये प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। हम दिल्ली के सराउंडिंग बैठे हैं, उसका असर दिल्ली पे पड़ेगा। आज नशा बहुत बड़ा है हरियाणा प्रदेश में। मुझे बहुत सारी माताओं बहनों ने यात्रा के दौरान ये शिकायत करी कि नशा बेचने वालों की कमी नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जिनके पास जाकर के हम गुहार लगाते हैं उन्हीं के घरों में नशा बेचने वाले हमें बैठे नजर आते हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग नशे बेचने वालों को घरों में रखेंगे तो हमारी पीढ़ी कैसे बचेगी। आप कुछ करो, हमें आप पे विश्वास है, भरोसा है। मैंने उस दौरान ये फैसला लिया, कोर कमेटी के सामने रखा कि युवाओं को जिम्मेवारी देनी है तो सत्ता में बड़ी भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए। और हमने ये फैसला किया कि आने वाले समय में 50% युवाओं को टिकट दे करके हम सरकार में बड़ी भूमिका युवा निभाए, इसकी जिम्मेवारी युवाओं को देंगे। और युवा देश युवा बनाने की बात लोगों ने करी लेकिन हम प्रदेश को युवा बना करके देश को संदेश देने का काम। आप तथ्य की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य से रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के युवा को तो राम के नाम पे पूरे देश को काम पे लगाया हुआ है। मैंने कहा कि हम धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की और कमेरे की लड़ाई लड़ी, किसी के साथ प्रदेश में अन्याय हुआ उन्होंने किसी की जाति नहीं देखी, उन्होंने जाकर के उसके साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलाया। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम भी परमात्मा में विश्वास और भरोसा रखने वाले लोग हैं, हमारे घरों में भी भगवान राम के मंदिर हैं, हम भी सुबह और शाम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये लोग तो करें कि ना करें लेकिन हमारे घर में हर व्यक्ति किसी भी काम के लिए जब बाहर निकलता है तो पहले राम को नाम लेकर मंदिर में जाकर के मत्था टेकता है। 22 तारीख को शनि का मंदिर हमारे सरसा में एक बना है, पुराना मंदिर था, बहुत पुराना, उसको भव्य मंदिर बनाया गया है। मुझे उसके कार्यक्रम में सरसा के लोगों ने निमंत्रण दे रखा है, मैं आज रात को सीधा वहां जाकर के रुकूंगा। युवा न्याय सम्मेलन में उमड़ी भीड़ को देखकर अभय चौटाला गदगद नजर आए और अपने संबोधन में कई बड़े चुनावी दावे और वादे किए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।